पहले नागपुर के रहने वाली एक महिला और उसकी दो बेटियों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात उनके रिश्तेदारों और परिवारों के सदस्यों से छिपी रही। नागपुर में बड़ी संख्या में जब सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला खुला तो तीनों के भी इस्लाम अपनाने की बात खुली। अब महिला और उसकी बेटियों को कमती स्थित उनका घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते दिनों कमती में धर्म का विवाद तब जोरों से उठा था जब नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर एक समुदाय को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई थी। इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो गया था। इसके कुछ हफ्तों के बाद धर्म का मुद्दा फिर से तेज हो गया है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को तनाव में डाल दिया है। कंपत्ति के सूत्रों ने कहा कि महिला के पति को लकवा का दौरा पड़ा था और आखिरकार कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। पति की मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ। कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटियों के साथ महिला को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। परिवार अपने घर के सामने एक युवा मुस्लिम दुकान के मालिक की मदद पर निर्भर होने लगा, जिसे महिला अपना बेटा कहने लगी। युवक ने परिवार को अपनी दुकान के परिसर में शरण दी है जब तक उनका कहीं और रहने का इंतजाम नहीं हो जाता।